बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी के सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 163 है। इसमें हम इंशाल्लाह एराब अल मफाइल अल खमसा पढ़ेंगे। तो मफाइल खमसा में पहला है अल मफूल बिही। तो इसकी मिसाल देखते हैं, नसरा अर रजुलु अल वलदा। इसमें नसरा फेल है, अर रजुलु फाइल और अल वलदा मफूलुन बिही। तो नसरा को हम कहेंगे फेलुन मादिन मबनुन अल फतह। ये रिपीटेशन भी हो रही है जो हमने पहले पढ़ा है। अर रजुलु फाइलुन मरफून व गामतु रफ़ही अद्दमतु ज़ाहिरा अला आखिरी। अल वलदा मफूलुन बिही मनसूब व अलामतु नस्बिही अल्फतहतु ज़ाहिरा। तो इस तरह से इसका एराब जो है ये मुकम्मल हुआ। मफाइल खमसा में से दूसरा है अल मफूल फी। इसकी मिसाल देखें, साफरा अबी लैलन। इसमें साफरा फेलुन मादिन मबनुन अल फतह। अभी फाइल मरफून व अलामत रफ़ी अद्दमत मुकद्दरा। क्यों? लिअन्नहु मुज़ाफ़ इला याय अल-मुतकल्लिम व हुवा मुज़ाफ़। ये चूँकि मुज़ाफ़ है याय मुतकल्लिम की तरह से, इसलिए इसका एराब मुकद्दर हो गया है। और या ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला सुकून फी महली जर मुज़ाफ़ इलैह। लैलन ज़र्फ़ ज़मानी मफ़ूलुन फ़ीही मनसूबुन व अलामतु नस्बिही अल्फ़तहतु ज़ाहिरा। ये इसमें फतह इसकी ज़ाहिर हो रही है। इसमें तीसरा है अल मफ़ूल ले अजली। इसकी मिसाल देखिए, मा खरजतु मिनल बैत खौफन मिनल हर। ये माँ नफ़ी का है। तो ये माँ अन्नाफियतु मबनुन अलसुकून। खरजतु ये फेल फाइल है, तो फेल मादिन मबनुन अलसुकून ले इत्तिसालिही ज़मीर रफ मुतहर्रक। अत्ताउ फाइलुन मरफून व अलामतु रफ़ही अद्दमतु ज़ाहिरा। मिन हर्फ जर्रिन मबनुन अला सुकून ला महल्लहु फिल एराब। अल बैती इस्मुन मजरूरुन बि मिन। मिन की वजह से ये इस्म मजरूर है। व अलामतु जर्र ही अल कसरतु ज़ाहिरा। और इसकी अलामत जर की जो है वो कसरा है जो कि ज़ाहिर है। अब यह खौफन मफ़ूलुन लि अजलिही मनसूबुन व अलामतु नस्बिही अल फतहतु ज़ाहिरा। मिन हर्फ जर्रिन मबनुन अला सुकून ला महल्लहु फिल एराब। और हर्रिन इस्मुन मजरूरुन बिमिन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा। चौथा है अल मफ़ूल माउ। मिसाल है इसकी सिरतु वल जबल। अब सिरतु फ़ेल मादिन मबनुन अला सुकून ले इत्तिसालिही बिज़मीरी रफ़ी मुतहर्रिक। वत्ताउ ज़मीरुन मुत्तसिलुन मबनुन अला दम फ़ी महल रफ़िन फ़ाइल। वाव ये हर्फ़ है, हर्फ़ वाव लिल माइया मबनुन अला फ़तह ला महल लहु फ़िल एराब। और अलजबला मफ़ूल माउ मनसूब व अलामतु नस्बिही अल्फतहतु ज़ाहिरा अला आखिर। इसमें पांचवा और आखिरी है अल मफ़ूल मुतलक। मिसाल है इसकी यक़रऊ हामिदुन क
قراءةً جميلةً. يقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حامد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قراءةً مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. अच्छा, अब इसमें आप ये गौर करें कि ये जितने पांचों थे उसमें सिर्फ शुरू में उनका नाम आता था, उसके बाद उसको मंसूब व अलामत नस्ब ही अल्फ़ात ज़ाहिरा ये कॉमन थे अल्फाज, यानी जो हैसियत थी वो हैसियत बयान करते हैं पहले आप, उसके बाद उसको मंसूब बयान करें और फिर वो अलामत नस्ब ही अल्फ़ात ज़ाहिरा, सिर्फ ये फ़र्क हुआ. जमीलतन صفت منصوب و علامت نصب ہی الفتحۃ الظاہرہ. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.